जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। यूं तो पूरे देश में इस वक्त तमाम आरटीआई कार्यकर्ता ये बात कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में आरटीआई को यानी सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में, जी हां उत्तर प्रदेश में, जहां आरटीआई की स्थिति पहले भी बहुत बेहतर नहीं है, राज्य सूचना आयुक्तों की स्थिति उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में बेहतर नहीं है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में अब जबकि राज्य सूचना आयोग रूल्स यानी कि नियम बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, आरटीआई के रूल्स फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक नया मुद्दा सामने आया है। आरोप ये लग रहे हैं कि राज्य सूचना आयोग ने जो रूल्स फ्रेम करने की कोशिश की है उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो आरटीआई कानून को, सूचना के अधिकार कानून को लगभग खत्म कर देंगे, इसकी मूल भावना के खिलाफ हैं, आरटीआई कानून के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे, आरटीआई लगाने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे, क्योंकि ये जो कानून, ये जो नियम है वो ये कहते हैं उसके तहत जो है, उस नियमों के तहत सूचना मांगने वाले के खिलाफ दंड भी लगाया जा सकता है और सूचना जो मांगेगा उसको मांगने पर उसको दंडित भी किया जा सकता है। साथ साथ जिस सरकारी विभाग से आप सूचना मांगेंगे, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ऐसी दिखाई देती हैं आयोग को, तो वो सरकारी विभाग को सूचना मांगने वाले से कह सकता है कि सरकारी विभाग आपके कंपनसेशन का अधिकार है, यानी कि सूचना मांगने वाले को सरकारी विभाग को कंपनसेशन देना पड़ सकता है, मुआवजा देना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के जो तमाम, जो हम कह सकते हैं कि तमाम आरटीआई के सिपाही हैं, सूचना के सिपाही हैं, वो उद्वेलित हैं, परेशान हैं और इसको काला नियम बता रहे हैं। तो क्या वास्तव में काला नियम है या इसके पीछे उत्तर प्रदेश जो राज्य सूचना आयोग है वो कोई अच्छी बेहतर सोच लेके चल रहा है, इसी को आज हम डिबेट करेंगे, इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली स्टूडियो में जुड़े हुए हैं एमएल शर्मा जी। एमएल शर्मा जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एमएल शर्मा जी। हमारे साथ नूतन ठाकुर जी जुड़ेंगे लखनऊ से। नूतन ठाकुर जी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जानी मानी आरटीआई कार्यकर्ता हैं लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की। और हम कोशिश करेंगे कुछ ही देर में, हमारे साथ जावेद उस्मानी साहब जो कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे भी जानेंगे कि दरअसल इसके पीछे राज्य सूचना आयोग की मंशा क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बहस को, डिबेट को शुरू करें कि क्या है नियम पूरा, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सूचना का अधिकार कानून के प्रचार प्रसार में सूचना आयोग की सबसे महती भूमिका होती है। आयोगों की सक्रियता ही आम आदमी को सूचना मुहैया कराने में मदद करता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई कानून को सरल, सुगम और आरटीआई का दुरुपयोग न हो इसके लिए प्रदेश भर के लोगों से सुझाव मांगे, ताकि आयोग यूपी आरटीआई ड्राफ्ट रूल बुक बना सके। आयोग की पहल अच्छी है कि उसने जनता से सुझाव मांगे, जनता के सुझाव यूपी आरटीआई ड्राफ्ट बिल में शामिल होंगे। पर आरटीआई से जुड़े जानकारों का कहना है कि आयोग ने कुछ क्लॉज ऐसे जोड़ रखे हैं जो पूरी तरह से आरटीआई कानून के खिलाफ हैं। कानून के अंदर ये मान्यता है कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उस अपेलेंट के तरफ से पैरवी करे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमीशन तटस्थ नहीं है, उनका काम है सूचना दिलाना, उनका काम है कि सूचना के अधिकार और पारदर्शिता का पूरा एक आयाम कायम करना, तो इसलिए उनका वो काम है। तो ऐसे परिस्थिति में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को कहना कि वो पेनल्टी लगाएंगे उन लोगों के ऊपर यदि वो वहाँ हाजिर नहीं हो, तो बिल्कुल गैरकानूनी है, उस कानून की मूल भावना के खिलाफ है। अगर हम बात करें क्लॉज नंबर 10 की, तो इस क्लॉज में कहा गया है कि किसी शिकायत या अपील की सुनवाई के दौरान कमीशन ऐसी दूसरी कास्ट वसूल कर सकता है और सही पक्षों को ऐसा मुआवजा दे सकता है। फिलहाल आयोग ने ड्राफ्ट रूल्स के लिए 27 मार्च तक राय मांगी थी। ड्राफ्ट में किसी अपील को वापस लेने को भी कानूनी बनाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने किसी आवेदक की आरटीआई अर्जी खारिज करने के नए आधार भी जोड़े हैं। साथ ही ड्राफ्ट रूल्स में ये भी प्रावधान रखा गया है कि किसी के द्वारा मांगी गई जानकारी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो नए सिरे से कलेक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि आरटीआई कानून के विपरीत है। अब आयोग की मंशा क्या है, आयोग आरटीआई कानून को किस तरीके से पेश करने जा रहा है, वो आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग आरटीआई कानून को लेकर जो ड्राफ्ट बिल बना रहा है, ये एक अच्छी पहल हो सकती है,
लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आरटीए कार्यकर्ता है, वो कुछ लोग उंगलियां खड़ी कर रहे हैं, कुछ लोगों का आशंकाएं हैं कि अगर इस ड्राफ्ट की बात करें जो क्लॉज नंबर 10 है वो कहता है कि अगर कोई गलत आरटीए लगाता है तो आरटीए लगाने वाले पर जुर्माना करेगा राज्य सूचना आयोग, जबकि आरटीए कानून पे लिखा है कि अगर कोई भी जनसूचना अधिकारी आरटीए का जवाब नहीं देता है तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग सूचना अधिकार को लेकर किस दिशा निर्देश की तरफ वो आगे बढ़ रहा है और लोगों को क्या आसानी से सूचना उपलब्ध हो पाएगी। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। जी उस्मानी साहब, बात ये आ रही है कि जो आप जो रूल्स फ्रेम करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी पहल है कि भाई रूल्स इसके फ्रेम होने चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को आशंका है, अंदेशा है, जो लोग कह रहे हैं, आरटीए एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इसमें ये प्रावधान है, इसमें क्लॉज है, ये प्रावधान है कि आरटीए के तहत जो जानकारी मांगने वाला है उसमें ये भी प्रावधान है कि जानकारी मांगने वाले को दंडित किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में और सरकारी विभाग उससे मुआवजा भी मांग सकता है, ऐसे भी प्रावधान हैं। हालांकि उस पर आपने प्रतिक्रियाएं मांगी हैं लोगों की, लेकिन फिर भी इसके अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या भावना है? मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि जो रूल्स का एक ड्राफ्ट बनाया गया है और जो हमने अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स के लिए रखा है, उस ड्राफ्ट में किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई रूल नहीं हम शामिल करेंगे जो कि आरटीआई एक्ट की भावना के विपरीत हो। हमारा पूरा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सिस्टमैटिक तरीके से हो और जो आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य है शासकीय कार्य में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ाना, वो मूल उद्देश्य पूरा हो। इसलिए ऐसा कोई भी रूल हम शामिल नहीं करेंगे उसमें जिसमें इस तरह की कोई भावना आरटीआई एक्ट की भावना के विपरीत हो। यदि इस तरह की कोई मिसकॉन्सेप्शन किसी के मन में है तो मैं उसको तत्काल हटाना चाहूँगा। जी चलिए, हमारा इस एक्ट ये रूल्स के ड्राफ्ट को वेबसाइट पे रखने का उद्देश्य ही यही है कि जिस किसी को इसको पढ़ने के बाद जिस प्रकार की भी शंका उसके मन में हो वो अपने अपने कमेंट्स, अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सुझाव लिख करके हमको भेज दें ताकि हम उसका सम्यक अध्ययन करें और उसके बाद में जो संशोधन हमको इसमें करना आवश्यक हो वो हम संशोधन करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सजेशंस भेजने के लिए, कमेंट्स भेजने के लिए जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दी गई है। तो इस तरह से सफिशिएंट टाइम है हर एक के पास, जो भी आरटीआई एक्ट के संचालन में इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो इन ड्राफ्ट रूल्स का अध्ययन कर लें और यदि उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका इस ड्राफ्ट रूल के बारे में आती है तो वो अपना लिखित सुझाव हमको दें। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सबको कि जो कुछ भी हमारे पास लिख करके आएगा हम उसका बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें मुनासिब होगा हम उसका उसके हिसाब से रूल्स को फाइनल करने से पहले अमेंड करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है उस्मानी साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पास सुझाव आएंगे उनका थोरो उनका अध्ययन किया जाएगा, लोगों की जो बात है वो उसको आयोग उस पर पूरी तरह से ध्यान देगा, ये एक अच्छी पहल है। और आपने एक और अच्छी बात के बताई जो कि हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, आरटीए एक्टिविस्टों को बताना चाहते हैं। उस जावेद उस्मानी साहब ने कहा कि 30 अप्रैल तक जो है डेट बढ़ा दी गई है, तो 30 अप्रैल तक जो अपने विरोध हैं या आपके जो सुझाव हैं वो आप आयोग तक पहुंचा सकते हैं। नूतन ठाकुर जी के पास मैं सीधा चलता हूं, लखनऊ में हमारे साथ जुड़ी हैं। नूतन जी, आप क्या कहेंगी जावेद उस्मानी साहब को? आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि उनकी मंशा साफ है कि भाई लोग जो कहें उसको जरूर माना जाएगा और किसी तरह की गलत फहमी का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। क्या आप संतुष्ट हैं उनके इस जवाब से? सबसे पहली बात तो है, उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदी भाषी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरटीआई यूज़ करते हैं लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती है, जबकि अगर आप आयोग के वेबसाइट पे जाएंगे तो जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में है। क्लिक करने को तो जो लिखा हुआ है वो हिंदी में है लेकिन जब आप रूल्स पढ़ते हैं तो वो पूरा इंग्लिश में है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सजेशन देना भी चाहें तो वो उसको समझ नहीं सकते, इंग्लिश समझ नहीं पाने के कारण अपने सुझाव देने में ही असमर्थ हैं। तो बहुत ज़्यादा सुझाव आने की गुंजाइश कम हो जाती है थोड़ी। दूसरी जो रूल्स मुझे लगता है, जो मैंने ड्राफ्ट रूल्स देखा है तो कई सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी, पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी आरटीआई एक्ट में है। आरटीआई एक्ट का अगर मूल उद्देश्य देखें तो तीन चीज़ों को लेके चलता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इसके साथ में गोपनीयता। और गोपनीयता किस हद तक
होगी, कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती, वो एक्ट की सेक्शन 8 में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नियमावली में कौन सी सूचना नहीं प्रोवाइड करनी है उसकी जरूरत है, क्योंकि वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा और पीआईओ को ये स्कोप देगा कि वो मनमाने ढंग से फिर व्याख्या करे। एमएल शर्मा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, आपने जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनकी बात भी सुनी और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी आशंकाएं भी सुनी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या ये आशंकाएं निर्मूल हैं और जो उस्मानी साहब कह रहे हैं हमें उन पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए? मैं जावद उस्मानी जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकार धारा 27 में रूल बना सकती है, लेकिन धारा 27 में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि कोई ऐसा रूल नहीं बन सकता जो एक्ट के प्राविधानों के विरुद्ध हो। जी, तो जब उस्मानी जी ये आश्वासन देते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं बनने वाला है जिसमें इन्फॉर्मेशन सीकर को ही पनिश किया जाए या उससे कॉम्पेंसेशन मांगा जाए, तो वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और वो जो आश्वासन दे रहे हैं उसमें संदेह करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जी, और रूल्स खुद ही प्रोवाइड करते हैं कि सरकार, एक्ट खुद ही प्रोवाइड करता है कि सरकार रूल बना सकती है। एक तो भाषा की बात कही है, वो जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो अंग्रेजी में हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी है, इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसमें, तो इसमें उस्मानी जी विचार कर सकते हैं इस स्टेज पर कि क्या ड्राफ्ट रूल्स का हिंदी ट्रांसलेशन भी वेबसाइट पर डाल दिया जाए। तो ये उस्मानी जी के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि रूल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि कानून में ही, एक्ट में ही ये प्राविधान है कि राज्य सरकार चाहे, केंद्रीय सरकार चाहे तो रूल बना सकती है। वो रूल एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते, रूल बना सकती है। और रूल्स जो है, ये कहना कि साहब एक्ट में ही सब कुछ दिया हुआ, रूल्स की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिति सही नहीं है। जो रूल्स बनेंगे या बनाए जाएंगे या केंद्र सरकार ने जो रूल बनाए हैं, जो अन्य राज्य सरकारों ने रूल बनाए हैं, वो इस एक्ट के प्राविधानों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, इसलिए ये कहना है कि रूल बनाने की आवश्यकता नहीं है, दूधन जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं उस्मानी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि भाषा की बात एक बहुत वैलिड, जो सबसे वैलिड सवाल उठाया नूतन जी ने, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जाने का मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट रूल्स पे बात कर रहे हैं, आरटीए कानून के जो ड्राफ्ट रूल्स उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग ने उसको वेबसाइट पे डाला है, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगे जा रही हैं। 30 अप्रैल तक उसकी तारीख बढ़ा दी गई, लेकिन उसमें एक दो प्रावधान ऐसे हैं जिनको लेकर आरटीआई जो एक्टिविस्ट है उनको आशंकाएं हुई थी, उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि उस्मानी साहब कह रहे हैं कि जो भी लोग सुझाव देंगे उन पर विचार किया जाएगा। तो उस्मानी साहब, एक बात जो नूतन जी ने कही बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत से लोग, अगर आपने जो ड्राफ्ट है इसको आपने अंग्रेजी में डाला है, बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के शायद इसको ना समझ पाए, तो ये एक बहुत जरूरी चीज नहीं आपको लगती कि इसका हिंदी भी, इसका अनुवाद होता तो ज्यादा से ज्यादा आपको सुझाव और बेहतर सुझाव आपको मिल पाते? देखिए, मैंने नूतन ठाकुर जी ने जो बात कही और एमएल शर्मा साहब ने जो बात कही, मैंने बहुत ध्यान से वो सुनी। मैं नूतन ठाकुर जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है और हमको जो हमारे ड्राफ्ट रूल्स हैं उनका हिंदी वर्जन बनाना चाहिए। मैं वो ऑलरेडी बनवा रहा हूँ। हमेशा जो कानून बनते हैं आमतौर पर वो उनकी ड्राफ्टिंग पहले अंग्रेजी में की जाती है, और चाहे एक्ट बन रहा हो चाहे रूल्स बन रहे हों, और उसके बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन, एक ऑथेंटिक हिंदी ट्रांसलेशन करा करके वो प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे ड्राफ्ट रूल्स हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन हम करवा रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि आने वाले 3-4-5 दिन के भीतर वो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा और हम उसको भी वेबसाइट पर डालेंगे।
जैसे मैंने कहा कि सजेशंस कमेंट्स प्राप्त करने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है जी। यदि आवश्यकता होगी तो हम कुछ समय और भी देंगे उसमें, ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि उनको ड्राफ्ट रूल्स को पढ़ने के लिए समय नहीं मिला। तो हिंदी ट्रांसलेशन तो अनिवार्य रूप से हम डालेंगे, उसमें किसी तरह की कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये रूल्स बनाए जाने की आवश्यकता का प्रश्न है, देखिए एक्ट, हर एक्ट में यह प्राविधान होता है कि एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए रूल्स बनाने की पावर जो है वो किसी भी अथॉरिटी को दी जाती है। हमारे आरटीआई एक्ट में रूल बनाने की पावर कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को दी गई है। इसका अभिप्राय यह है कि सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के लिए आरटीआई के रूल्स जो हैं वो केंद्रीय सरकार बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जी, उनके लिए जो रूल्स हैं वो राज्य सरकार बनाएगी। रूल्स हमेशा एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, और निश्चित रूप से रूल्स में किसी भी प्रकार का ऐसा प्राविधान नहीं हो सकता, वो गैर कानूनी होगा जी, जो कि एक्ट के प्राविधानों के विपरीत हो। नूतन जी, आप आपको तो आज जैसे बिल्कुल आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए जो मुंह मांगी मुरादें मिल रही हैं, आपने हिंदी में कहा और उस्मानी साहब ने तुरंत कहा कि अगले 5-7 दिन में हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगा, तो अब कोई शिकायत की गुंजाइश बचती है आपको? आप अपनी कोई बात रखना चाहती हैं कि आपको लगता है कि आयोग ने जो पहल की है वो बेहतर पहल है और उसका समर्थन करना चाहिए? जैसे देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी, जैसा एमएल शर्मा जी ने समझा कि मैंने कहा कि नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। मेरे कहने का आशय मात्र इतना था कि कई सारे इस रूल्स के प्रावधान हैं जो आरटीआई एक्ट के जो प्रावधान हैं और रूल्स में जो मेंशन है, तो वहाँ पे थोड़े से रूल्स में उतने क्लियर नहीं होने की वजह से पीआईओ को ये मौका मिल सकता है कि वो पहले ही सूचना नहीं देना चाहते नियमावली का हवाला देते हुए, और उनको एक स्कोप देना है। कई सारे निश्चित रूप से जो मैंने प्रारूप पढ़े हैं उस पर कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो आरटीआई एक्ट को संचालित करने के लिए, खास करके जो कई सारे रजिस्टर मेंटेन करने की बात कही गई है, वो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि अभी अगर आप सूचना आयोग में भी अगर आप अगर ये इंफॉर्मेशन मांगिए कि कितने आरटीआई एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कितनों पे कॉस्ट हुई, वसूली हुई नहीं हुई, क्योंकि जुर्माना कई सारे मामलों में लगता है, लेकिन वसूली की बात अगर की जाए तो अभी भी तमाम मामले हैं जहां कॉस्ट 250 रुपये पर डे है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, वो वैसे ही बचे हुए हैं। हाँ, जो शंका कुछ बिंदुओं पे थी जिसे मैंने रखा भी, बिल्कुल ज्यादा इसलिए भी दिखती है, जब आज ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा एक सूचना आयुक्त ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को बस इसलिए एक जांच के आदेश दे दिए कि पीआईओ ने शिकायत की कि साहब इन्होंने 2 बार सूचना मांगी, या ये कॉम्प्रोमाइज़ करना। मूल बात यह है कि इस बात की आशंका है कि पीआईओ हैं वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं जी। एमएल शर्मा जी, बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना थोड़ा। हाँ, मैं सोचता था कि नूतन जी ये इशू उठाएंगी कि डिस्पोजल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी स्लो है और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी स्लो है। मैं रिटायर हुआ पिछले साल, तब 15,000 थे हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, अब 25,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी शायद ऐसा होगा, उस्मानी साहब ज़्यादा जानते होंगे। तो डिस्पोजल का जो इशू है ये मेन इशू है जिस पर फोकस होना चाहिए, और रूल्स जो बन रहे हैं ये डिस्पोजल को भी फैसिलिटेट करने में मदद करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ नूतन जी मेरी इस बात से सहमत होंगी कि डिस्पोजल क्विक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। एक छोटा सा जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर आऊंगा, उस्मानी साहब से जो आज के संदर्भ में जो बात कही नूतन जी ने उस पर उनका जरूर जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट रूल्स की बात कर रहे हैं और 30 अप्रैल तक इसकी तारीख बढ़ा दी गई है, और जावेद उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, वो कह रहे हैं कि अब इसको जल्द ही जो ड्राफ्ट है वो हिंदी में भी उपलब्ध होंगे, तो लोग अपनी बात, अपने सुझाव इस पर दे सकते हैं। जावेद उस्मानी साहब, नूतन जी ने आज के संदर्भ में एक बात कही, वो
दरअसल जो आशंकाएं होती हैं वो ये होती हैं कि जिस तरह से ट्रीट करा जाता है सरकारी विभाग आरटीआई एक्टिविस्टों से, जिस तरह से ट्रीट करता है आरटीआई एक्टिविस्टों पर, हम उत्तर प्रदेश में लगातार भी देख रहे हैं कि कई आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हुए, तो जो नीयत को लेकर एक संदेह होता है, शक होता है, जो जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्टों ट्रीट किया जाता है उसको लेकर बहुत सारी, तो इसलिए लोगों को आशंका लगती है कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिस नियम का बहाना बना करके सूचना देने में आनाकानी हो या फिर सूचना मांगने वाले को प्रताड़ित किया जाए, ये डर, ये आशंका कैसे जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आशंका क्यों है, इसमें आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये है कि हमारे रूल्स बिल्कुल क्लियरली ड्राफ्टेड हों, वो किसी भी प्रकार से आरटीआई एक्ट की किसी भी प्राविधान के विपरीत हमारा कोई नियम ना हो, हमारे नियमों में और आरटीआई एक्ट के प्राविधानों में कंप्लीट सामंजस्य हो, हमारे नियम जो हैं वो आरटीआई एक्ट के ऊपर आगे चल करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालयों ने बहुत सारी रूलिंग्स करी हैं जिसमें उन्होंने आरटीआई एक्ट को फर्दर एक्सप्लेन किया है, हमारे नियम उन रूलिंग्स के भी किसी प्राविधान के विपरीत ना हो, तो हमारा पूरा प्रयास ये होगा कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम बिल्कुल क्लियर हों, स्पष्ट हों और किसी भी प्रकार के मिसयूज़ के लिए वो उसमें कोई गुंजाइश ना हो। क्या उम्मीद करें कि डिस्पोजल रेट भी बढ़ेंगे और लोगों की जो लाइन लगी हुई है पेंडेंसी की वो कम होगी? देखिए, हमारे यहाँ एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों के पद हैं और उसके अगेंस्ट 9 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, एक पद रिक्त है जी, तो इस प्रकार से कुल 10 आयुक्त, मुख्य आयुक्त को मिला करके 10 व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं। ये अपने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पेंडेंसी है और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है हियरिंग कंप्लीट करने में क्योंकि पेंडेंसी ज़्यादा है। देखिए, ये सूचना का अधिकार अधिनियम में एक चेन है जिसकी पहली कड़ी PIO है, उसके बाद फर्स्ट अपील है जी, जी। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है और उसके बाद अंतिम कड़ी जो है वो सूचना आयोग है। तो यदि हमारा जो चेन का पहला लिंक है, पहली कड़ी जो है PIO, यदि वो अपना काम ठीक करता है तो उससे फर्स्ट अपील कम होती हैं और सेकंड अपील्स कम होती हैं जी, जी। ये इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में हम PIO को शामिल करें। ये बहुत आवश्यक है कि सूचना आयोग आगे चल करके प्रोएक्टिवली PIO का एक ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जिसमें हम लगातार PIO के साथ में संपर्क में रहें, उनको बताते रहें कि किस प्रकार से उनको इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कौन से मुद्दों पर आप उनको स्पष्ट रूप से सूचना उपलब्ध करानी है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां पर एग्जेम्पशन क्लॉजेस के तहत वो मना कर सकते हैं जी, जी। उनको इस एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल, आपने बहुत ट्रेनिंग के माध्यम से बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। मैं ML शर्मा जी आपसे इस पर बहुत छोटे संक्षेप में कमेंट लूंगा, जो कि उन्होंने कहा पहली कड़ी और अभी उत्तर प्रदेश का एक मामला है, आगरा का एक मामला आया कि एक व्यक्ति ने साल 2000 से 2012 जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था उस पर कितना बिजली पानी खर्च हुआ उसकी सूचना मांगी थी, उसमें भी आयोग को पुश करना पड़ा, सूचना तो मिली लेकिन 40,000 पन्नों में सूचना जो आरटी मांगने वाले को भेज दी गई। तो PIO जो पहली कड़ी है वहां पर कब बहुत जरूरत है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, इस कानून की भावना से उनको समझाया जाए कि क्या दरअसल भावना है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में कभी कभी मैंने PIO से पूछा कि भाई आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा है। मैंने कहा चलो मेरी एक कॉपी है, मेरे पास कॉपियाँ बहुत थी तो मैं देता रहता था। तो उनकी पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, समझ में नहीं आता है, तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उस्मानी जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें PIO को अपने साथ लेना पड़ेगा। तो ये तो एक बात हुई, दूसरी बात यह है कि अगर आप ज़्यादा सूचना मांगते हैं तो फिर 40,000 पेज की मिलेगी। तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सूचना बहुत क्रिस्प और बहुत पॉइंटेड नहीं मांगी जाती, उससे ये सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तीसरी अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हर सूचना आयुक्त एक महीने में कम से कम 250 या 300 केसेस का डिस्पोजल करेगा, यानी कि साल भर में 3,000 या 3,500। तो इस तरह की व्यवस्था अगर हमारे राज्य सूचना आयोग भी करें तो फिर तो शायद डिस्पोजल को थोड़ा सा पुश मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश में उस्मानी साहब ने आज जो कहा कम से कम वो बहुत उम्मीदें जगाता है। और उस्मानी साहब, हम आपसे उम्मीद करेंगे जो कि आरटीआई एक्टिविस्टों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं का जरूर
आप ख्याल रखें जब नियमों का नियम ड्राफ्ट किए जाएंगे, और जो एक आशंका लगातार बनी रहती है आरटीआई एक्टिविस्टों के मन में और आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ जो उत्पीड़न प्रताड़ना जैसी चीज़ होती है उसको उत्तर प्रदेश में कम किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब आपका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए, नूतन ठाकुर जी आपका भी, और दिल्ली से एमएल शर्मा जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने उत्तर प्रदेश पर बात की, और इस बीच देश भर में जो कुछ आरटीआई को लेकर होता रहा वो समेट के लाए हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मनरेगा में घोटाला हुआ है, वहां के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बड़ा घोटाला हुआ है। मनरेगा में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनसे अधिकारियों ने एक एफिडेविट भरवाया और फर्जी दस्तखत और अंगूठे लगवाए, उसमें लिखा कि इनको, इन मजदूरों को भविष्य निधि की कोई जरूरत नहीं है, जबकि मनरेगा के तहत ये प्रावधान है कि जब कोई मजदूर उस समय काम कर रहा होता है तो उसकी जो स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करनी होती है, साथ ही उसके उसी समय पेमेंट भी करना होता है, मस्टर रोल भी रखना होता है। लेकिन उत्तराखंड में जो मनरेगा में घोटाला हुआ है इन सारे नियमों की अनदेखी की गई। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने से लगी है रोक। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है। उसने कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जिसके तहत आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता, और ये भी कहा है कि इसके पास कोई आधारभूत ढांचा नहीं है जिसके तहत आरटीआई के दायरे में इसमें लाने से रोक लगी है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया है। अब इस मामले की तारीख 27 अप्रैल को दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले एक आरटीआई आवेदक प्रकाश चंद त्रिपाठी ने आरटीआई डालकर जब नगर निगम से जानना चाहा कि जो सर्किल रेट है वो किस आधार पर कम कर दिए गए, तो जो आरटीआई से जवाब आया वो काफी चौंकाने वाला था। वित्तीय वर्ष 2007-08, 8-9 और 9-10 में को मिलाकर लगभग सिर्फ कानपुर शहर में जो हाउस टैक्स कम किया है उसका जो घोटाला हुआ है लगभग उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। वैसे जो जिला अधिकारी होता है वो सर्किल रेट कम करने का उसका विशेषाधिकार होता है, लेकिन उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार से उसको इजाजत लेने की जरूरत होती है। लेकिन कानपुर के जो बड़े अधिकारी हैं उन सब लोगों ने मिलकर 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और ये घोटाला हुआ है हाउस टैक्स को कम करके। महाराष्ट्र के मंत्रियों का संपत्ति का ब्यौरा नहीं हो रहा है सार्वजनिक। जी हाँ, एक आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस पूरे मामले में आरटीआई लगाई थी और उनके मुताबिक उनको अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में 100 दिन पहले एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका जवाब उन्हें नहीं मिला है। हालांकि सरकार की दलील है कि इससे पहले जो चुनाव हुआ है उसके तहत जो नेता लोग थे उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पहले ही दे दिया है। लेकिन ये गौरतलब है कि ये ऐसा मामला है जो कि पिछली सरकार से चला रहा है और मंत्रियों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। तो था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।